अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, अगर आपने सोच लिया है, तो हर चीज़ मुमकिन है। कल जब मैंने आप सबको शपथ लेकर मैंने देखा, किसी ने कॉकबोरॉक, किसी ने काउब्रू में लिया, तो मुझे इतना दिल से अच्छा लगा कि ये एक न्यू बिगनिंग है, ये एक न्यू बिगनिंग है। एंड इफ अगर आपने अभी शुरुआत अच्छे से किया, तो पूरा देश, पूरा तिपरासा आपको देखकर गर्व से महसूस करेगा कि मेरा परिवार से, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा ही जैसा एक साधारण तिपरासा आज इतना आगे आ गया है और असेंबली में शपथ लिया है। अब से मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, अहंकार अपने अंदर मत लाइए। ऐसे लोग जो आपको बिगाड़ेंगे, आपको आपका आपको अपने लोगों से ही दूर कर देंगे, उससे वैसे लोगों को अवॉइड कीजिए। वीआईपी कल्चर बंद कीजिए और आप ज़मीन में आकर सबसे हंस के घुल मिलकर प्यार से बात कीजिए। ये जो आपका नया शुरुआत है एज एमएलए, ये एक एरोप्लेन जैसा है। जब टेक ऑफ ठीक होता है, तभी सफ़र ठीक होता है और लैंडिंग ठीक होता है। अगर टेक ऑफ के टाइम ही आप बिगड़ गए, तो पूरा जर्नी ख़राब जाएगा। मैंने ज़िंदगी बहुत देखा है, मेरे पिताजी भी महाराजा थे, एमपी थे, मेरी माँ एमएलए थी, मिनिस्टर थी, एमपी थे। मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूँ, जितना नीचे रहोगे उतना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर जाने की कोशिश करोगे उतना आप ही के लोग आपको नीचे तान देंगे। इसके लिए ये हमेशा दिल में बात रखना। आई एम वेरी प्राउड जब मैंने देखा कि हमारे विमेन लोग ने कल शपथ लिया। आई एम वेरी प्राउड जब मैंने हम अपने यूथ को देखा लेते हुए, जब सीनियर्स आए, वो लोग गए एमएलए बनकर। ये मत भूलिए कि ये जो हमको आशीर्वाद मिला है, ये पब्लिक का प्यार से मिला है, और ये प्यार को अगर आप गवा दोगे तो पब्लिक के दिल टूट जाएगा, मुझे भी बहुत दुख लगेगा। अगर सिस्टम को चेंज करना है, तो अपने आप को चेंज मत कीजिए, जो आप पहले थे एमएलए बनने से पहले और जो आज हैं, वही बन के रहिए, तो पूरा जर्नी ख़राब जाएगा। ये वो मेरे पिताजी भी महाराज जी, कोई प्रोटोकॉल अपना जाति से बड़ा नहीं होता है। ये मेरा एडवाइस आपको है, प्लीज़ समझिए। आई मीन द बेस्ट फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू माय वॉरियर्स। नाउ मेक द तिपरासा पीपल प्राउड। बेलाय बेलाय नो हम बाय। थैंक यू।